के सूबाई वजीर मियाँ असलम इकबाल की सरबराही में तरक्याती इदारों के सरबराहान का दूसरा इजलास हुआ, जिसमें बताया गया कि मॉल रोड पर 52 गैर मंजूर शुदा इश्तहारी बोर्ड के हवाले से नोटिस जारी कर दिए गए हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा आतिफ परवेज से। आतिफ आगाह कीजिएगा। इस सूबाई में सनअत और तजारत मियाँ असलम इकबाल की ज़ेर सदारत तरक्याती इदारों के सरबराहान का दूसरा इजलास हुआ है। पंजाब सरमायाकारी बोर्ड की कमेटियों में होने वाले इजलास में लाहौर को आलमी मियार के मुताबिक खूबसूरत और साफ सुथरा बनाने के लिए मुतादिक इकदाम की मंजूरी हुई। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों बाबू साहब गुलशन रावी चौक और दीगर चौराहों को बेहतर बनाया जाएगा। सूबाई वजीर की ग्रीन बेल्ट को बेहतर करने और इनकी रोजाना की बुनियाद पर सफाई यकीनी बनाने की हिदायत है। शहर की अहम शाहराहों पर आला मियार की लाइट्स लगाने की हिदायत है। और इसके साथ साथ सूबाई वजीर की MD लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को सफाई ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत की गई। सगिया पुल से मंजाने बंद रोड खस्ता हाल सड़क की बहाली की हिदायत और शहर की सड़कों पर आला मियार का पैच और यकीनी बनाया जाए, ये कहना था सूबाई वजीर का। उन्होंने मजीद कहा कि शहर के चौराहों की बेहतरी का ऐसा प्लान बनाया जाए कि यहाँ ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी आए। शहर के चौराहों, अंडरपासेस और दीगर मुकाम की दीदा जेब फूलों और पौधों से ताजीन और रायश की जाए। तरक्याती इदारों को शहर की खूबसूरती बढ़ाने के मनसूबों को टाइम लाइन के अंदर मुकम्मल करना होगा। तरक्याती इदारों के सरबराहान की शहर की खूबसूरती बढ़ाने के मनसूबों और तखमीना जात बारे ब्रीफिंग मार रोड पर गैर मंजूर शुदा 52 इश्तहार बोर्ड के जो हवाले से नोटिस जारी कर दिए। इजलास को ब्रीफिंग कमिश्नर लाहौर डिवीजन DG LDA DG PHA MD LWMC और दीगर अफसरान की इजलास में शिरकत। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आतिफ।